के एल राहुल अवस्था से ठिकानमूर पर जाते ही मिली एक बड़ी बुरी खबर। दोस्तों उन पर टूटा दुखों का पार, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों और भी ना समय लेते हुए आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों तो पहले आपको बता दें कि भारतीय टीम के खिलाड़ी के एल राहुल और हिंदी फिल्म का स्टार सुनील शेट्टी की बेटी अथर्व शेट्टी के साथ 23 जनवरी को शादी हुआ था। दोस्तों यह शादी सुनील शेट्टी के खंडाला वाला बंगला में धूमधाम से कराया गया था, जो कि ऐसा शादी किसी भी क्रिकेटर ने नहीं किया। दोस्तों यह शादी होने के बाद ये दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि दोस्तों आप जिसे प्यार करते हो और उसी से शादी हो तो यह तो खुशी की बात ही होगी। दोस्तों यह शादी होने के बाद के एल राहुल और अथर्व शेट्टी हनीमून के लिए गए थे, लेकिन दोस्तों हनीमून जाने के एक दिन बाद ही उनको एक बड़ी बुरी खबर मिलती है, जिसके कारण उन्हें वापस घर आना पड़ता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले उनके अंकल की कार एक्सीडेंट हुआ था तो वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन दोस्तों आज उनकी मौत हो गई है। दरअसल दोस्तों जब के एल राहुल अथर्व की शादी हुई थी, शादी अटेंड करने के बाद जब उनके चाचा घर लौट रहे थे तो उनके कार एक्सीडेंट हो गया था और वो एक दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन दोस्तों अब उनकी मौत हो गई है। दोस्तों यह खबर सुनते ही के एल राहुल अथर्व शेट्टी काफ़ी रो रहे हैं। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी। अगर आप भी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर